वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में जनपद के एंटी रोमियो दल तथा सभी थानों के हेड मुहर्रिर एवं कांस्टेबल कलर की बैठक पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी ने थानों पर नियुक्त हेड मुहर्रिर एवं कांस्टेबल कलर को उनके कर्तव्यों परायणता का पाठ पढ़ाया। बैठक में एसएसपी ने कहा कि थानों में मुंशी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सभी कानूनी कार्रवाई का जिम्मा इन्हीं लोगों के हाथ में होता है, इसलिए सभी लोग अपने कर्तव्यों को समझें और अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक पालन करें। इसके अलावा एसएसपी ने महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को सूचना देने व पीड़िता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के संबंध में आवश्यक आदेश निर्देश दिए। बैठक में एएसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कब्जे नहीं होता है सर, जरूर पूछेंगे इसके बारे में। पूछते हैं ऐसे समझिए, क्यों कंफ्यूज होंगे आप? आई कार्ड मतलब हो गया, इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर एंटी रॉबरी एंड डकैती हो गया, कहाँ है? जी रोड पर है। तो तीनों चीज़ें बहुत स्पष्ट है और गर्व बताया गया हम लोगों को। उसके बाद है ट्रिनेट क्या है? तो वो हो गया था कि जो अपराधियों के बारे में ये अपने आप रीडिंग करा रहे हैं वो ऑलरेडी स्टेट लेवल पर में चल रहा है, इसलिए क्या रहा है देखो तीसरी आंख। एक ही बात है, जिसके पास ट्रिनेट हो या तीसरी आंख का मतलब इसको ट्रिनेट बदले तीसरी आंख समझ आ जाए, सीसीटीवी की संख्या बढ़ानी है। और बता सकता है ये पिछली बार वाला आप लोगों को पर्चा मिला होगा, मुंशियों के लिए बनाया गया था, आप लोगों को अपने कार के निर्देश दिए गए थे। कितनों के पास है हाथ खड़ा है? बाकियों के पास क्यों नहीं है? अभी मैं आप यहीं से बात शुरू करूंगा और इसी पे ही खत्म करूंगा। आपके कार्य क्षेत्र को हमने एक पेज में ले आया है। आपका कार्य क्षेत्र, आपका क्या काम है, क्यों काम है, किस लिए काम है, कैसे काम करना है, काम के तरीके क्या हैं, मानक क्या हैं, स्टैंडर्ड क्या है, ये एक पेज में सारा कुछ दिया हुआ है। अभी इसको एक बार फिर से मैं डिस्कस करूंगा। ये 17 जून को मैंने आपको दिया था, आज हो गए 13 अगस्त, लगभग 2 महीने हो गए और कुछ ज़्यादा सुधार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है थाने की वर्किंग में। अकेले थानेदार को बार बार बुला के डांटने समझाने से चीज़ें नहीं उतनी हो सकती जब तक थाने के मुंशी लोग नहीं समझेंगे। बार बार हमको क्लास लेनी पड़ रही है और मैं चाहूँगा जीजो साहब से कि इस बार मुझे बताया जाए कलाने थाने की।